બારડોલી ખાતે ભાજપના ઉમેદવાર ઈશ્વર પરમારના ચૂંટણી પ્રચાર માટે કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકોરની જાહેરસભા યોજાઈ હતી. બારડોલી ખાતે યોજાયેલી ભાજપની જાહેરસભામાં કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકોરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને યાદ કર્યા હતા અને તેમના પ્રવચનમાં જણાવ્યું હતું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જેમ જ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ લડશે. આ જાહેરસભામાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી. मैं तो यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश ने, नरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई ने जो काम किया है वो शानदार है. देश के सामने एक बड़ा उदाहरण है. गुजरात मॉडल आज देश देखता है, दुनिया उसकी सराहना करता है. और मैं तो ये कहूंगा, गुजरात नंबर वन है और नंबर वन ही रहेगा, ना केवल विकास में, ना केवल सुशासन में, ना केवल गरीब कल्याण में, बल्कि नई ऊंचाइयों और नए क्षेत्रों में भी नंबर वन बनने के लिए गुजरात के लोगों ने जो काम किया है, यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, यही भाजपा की पहचान बनाने का काम किया. गुजरात में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी सामने, तो आप गुजरात के पिक्चर को कैसे देखते हैं? 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इतिहास रचेगी. और मैं कह सकता हूँ ये ऐसा क्षण गुजरात के इस साल आने वाला है कि आज तक का इतिहास गुजरात की जनता लिखने वाली है. दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात से आते हैं. देश का नंबर वन राज्य गुजरात में चुनाव होकर यहाँ की जनता मुहर लगाएगी कि किस तरह से 2024 में भी फिर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी. गुजरात की जनता ने लोकसभा में 26 सीटें 2014 में, 26 सीटें 2019 में, और मुझे लगता है विधानसभा में जब 150 पार करेंगे फिर 26 सीटें 2024 में भराएंगे. उम्मीदवार की यादी जाहिर करने के बाद थोड़ा कई कई जगहों पर विवाद हुआ, और उसका इफेक्ट सीधा कोई परिणाम पे पड़ेगा? से नहीं पड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है. आधार पोलिंग बूथ तक हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है. लोग सरकार वो चाहते हैं जो चुना हुआ प्रतिनिधि सत्ता में आकर काम करवा सके. और जो राजनीतिक दल का होता है किसी राष्ट्रीय दल का, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, लोग उन्हीं को वोट देंगे, कमल के फूल पर ही वोट देंगे. आप हिमाचल से आ रहे हो, हिमाचल में भी अभी चुनाव गया है, हिमाचल में इस बार भाजपा का जादू चलेगा? निश्चित तौर पर. हिमाचल प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन में नंबर वन आया. हमने बहुत सारे काम ऐसे किए जो बहुत शानदार थे. और हमारी प्रदेश की सरकार के साथ साथ मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश को दिया वो आज तक मिला नहीं था. एम्स अस्पताल दे दिया, IIT दे दिया, IIM दे दिया, IIIT दे दिया, NIT दे दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दी, रेलवे लाइन दे दी, वंदे भारत एक्सप्रेस दे दिया, 50,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट छोटे से राज्य को दे दिए. ये अपने आप में दिखाता है मेरे भाइयों कि हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने कितना दिया. वापस हिमाचल की जनता मोदी जी के लिए झोली भर के और पोलिंग बूथ पर EVM पर दबा कर वोट डाले हैं, फिर भाजपा की सरकार बनेगी. राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर पर बयान दिया, देखिए राहुल गांधी जी की राजनीति मुझे आज तक समझ में नहीं आई. जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनके साथ राहुल गांधी जी जाकर रात के 12 बजे खड़े हो जाते हैं. जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते हैं उनको अपना कंधा रोने के लिए दे देते हैं. और अब अपनी यात्रा में भारत को टुकड़े टुकड़े करने वालों की जो सोच रखते हैं, भारत का जो नामो निशान मिटाने वाले, उनको शामिल करते हैं. वीर सावरकर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में है, उनको अपमानित करते हैं, गलत बयान देते हैं. कभी कांग्रेस उनके बारे में टिप्पणी अलग करती, कभी अपने पोस्टर में उनकी फोटो दिखाती है. तो कांग्रेस कन्फ्यूज्ड और करप्ट पार्टी है, साफ दिखता है. कन्फ्यूजन तो भयंकर है. उनकी भारत जोड़ो यात्रा में बहन तो जुड़ नहीं पाई, प्रियंका जी नहीं जुड़ पाई, बाकी पता नहीं कौन जुड़ेगा.